हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आप लोगों के सामने बनाना चाह रही हूँ एक चटपटा आम की अचार। इसके लिए अपन को ये सब छोटा छोटा सामग्रियाँ चाहिए। जैसे अभी आम का सीजन है, अभी अपन आम ले लिया है, एकदम बारीक बारीक कटी हुई है, इसको एकदम बारीक है, देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, एकदम बारीक। वैसे अपन को साथ में चाहिए थोड़ा सा अदरक का, छोटा छोटा बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन छिलका निकाल कर रखी है और कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची, कड़ा मिर्ची चाहिए अपन को, थोड़ा सा सरसों। और इसके लिए फिर मसाला में जाने पर अपन को थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये है आपका थोड़ा मेथी का पाउडर। ये मेथी और जीरा दोनों अपन एकदम भूंज के उसका पाउडर बनाया हो, और नमक और स्वाद अनुसार हींग और थोड़ा सा विनीगर चाहिए अपन को और तेल चाहिए। चलो शुरू करती हूँ अपन। अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, 2 चम्मच तेल अपन इसमें डाल देती हूँ। गरम, अब अपन डालती हूँ इसमें सरसों, थोड़ा 2 चम्मच के आसपास अपन डाल दे रखी हूँ। डालेगी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची अपन कोई पीस रखी थी उसको ऐसा टुकड़ा करके डालना है, और साथ साथ में अपन डालेगा अदरक, अदरक डालिए और उसके साथ में हरी मिर्ची को डालना है। मेरी लसन छोटा है उसमें मैं काटी है, तो बस बड़ा लसन से तो आप काट सकते हैं। और थोड़ा चटनी लगेगी, लेकिन चटनी लगेगी तो इसमें कड़ी पत्ता भी डालती हूँ। अब धीमी में करना है मेरी आज को, थोड़ा सा चटपटाने लगेगी। सब सामग्रियाँ एकदम अच्छा से देखो भूंजा हुआ हो गया है। अभी अपन इसमें मसाला डालने जा रही है। मसाला में मैं पहले डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, वो है केवल 2 चम्मच अपन डाल दिया बड़े बड़े चम्मच में, और है ये हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच डाल दिया, और भुंजा हुआ जीरा वो एकदम कम, क्वार्टर की थोड़ा से ज़्यादा, और ये है मेथी पाउडर वो भी एकदम कम है इतना सा, वो भी डालना है। और उसके साथ साथ में डालोगी हींग का पाउडर है, ये भी एकदम 1/2 चम्मच के करीब करीब अपन डाल दिया है ना। फिर इसको अच्छा से चला लो, एकदम थोड़ा ये मसाला एकदम भून जाएगा तो देखो स्मेल भी एकदम अच्छा स्मेल आ रही है। अभी कलर भी देखो, ये तो मैंने कश्मीरी चिल्ली यूज़ किया हुआ है, तो आप जैसे तीखा पसंद करते हो तो फिर दूसरा देख लीजिए आप। अब ये अच्छा भूंज गया तो इसमें मैंने डालने जा रही हूँ विनीगर को डाल रही हूँ, थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच के हिसाब से विनीगर को डाल दिया। विनीगर के साथ साथ में आपको डालना है नमक, नमक को डालना है, और उसके बाद अच्छा से चला लिया 1 मिनट करीब करीब चला लो, बस हो जाएगा आपका। और ये देखो ये आम है एकदम 1 किलो से कम है आम, उतना कोई मैंने डाल दे रही। अब ये आम को आपको चलाना है थोड़ी देर के लिए, करीब करीब वो भी 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, इसको पकना नहीं है आपको, ये मसाला इसमें मिक्स होना है। ये एकदम चटपटा आम है ना, नाम से ही चटपटा है, तो फिर खाने के लिए भी चटपटा होना चाहिए आप लोगों को। और ये जो डिश है, जैसे केरल का हिसाब से बोलने पर शादी वादी में बहुत अपन यूज़ करता है, एक मेन डिश है, साइड डिश का नाम से एक मेन है ये। और अभी देखो ये एकदम अच्छा से अपन मिला लिया, मैंने 1/2 घंटे के बाद इसको एक कंटेनर में निकाली है। अभी जो बनी है आम का चटपटा अचार, आप मेरी चैनल को आप देख लीजिए, आप लोग को पसंद हो गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।